देहरादून में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक 55 वर्षीय महिला को उसी के बेटे ने मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, बताया जाता है। परिवार एक पुलिसकर्मी का हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून के SSP अजय सिंह जी हैं। सर, क्या है पूरी घटनाक्रम और एक इतना भयानक हादसा हो गया, अपनी ही माँ को कोई? देखिए, मृतका है, उन्हीं के हस्बैंड एक पुलिस में ही काम करते हैं, मुरादाबाद में पोस्टेड है, और इनको कहीं से जब सुबह बात नहीं पाई तो इनको शक था, और शक के आधार पर तत्काल वो यहाँ पहुँचे और घर खुलवाए, तो जिस तरह से छत पे जब मतलब खून से लथपथ डेड बॉडी उनकी वाइफ की मिली, और इनका बेटे ने भी अपनी 10-25 साल का करीब काट रखी है। जो प्राथमिक जानकारी मिली कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान था इसमें, और इनके बीच बीच में भी इस तरह से अग्रेसिव हो जाता था। अब क्या परिस्थितियाँ बनी, किस कारण से घटनाक्रम किया, ये पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा, चूँकि जो इसमें भी इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। बाकी जो चीज़ें पता चली कि लगातार इलाज भी चल रहा था और इस तरह से बीच बीच में अग्रेसिव भी हो जाता था, तो चीज़ें अभी तो जानकारी आई, चूँकि घटनास्थल पर भी आए आसपास के लोगों से भी थोड़ा जानकारी की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया पारिवारिक मैटर में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसाद में रहने पर या कोई आवेश में आकर ये घटना कारित की गई है। जो युवक है वो आपके कब्जे में है, जब आपने उसे देखा तो किस प्रकार की उसकी मनोस्थिति लग रही थी? सर, जो फर्स्ट चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, और कहीं ना कहीं जो लगता है कि नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए SSP देहरादून थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवक है उसकी मनोस्थिति काफ़ी ख़राब है और उसी के द्वारा ये शायद घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पे SSP देहरादून का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है। जो परिवार है वो भी पुलिस परिवार है, उनके पिता UP में मुरादाबाद के अंदर DPSP हैं, DPSP पद पर तैनात हैं। उनके द्वारा लगातार फ़ोन किया जा रहा था घर पे, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसके बाद उन्होंने देहरादून पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो इस घटना का खुलासा हुआ है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।